कहाँ से आए हो? बिहार पटना से। बिहार, देखो बिहार पटना, दुनिया के इंडिया के हर स्टेट से बच्चे मेरे पास आए हुए हैं साथियों, इंतजार बस आपका है। किसी भी टूल को प्रॉपर तरीके से क्लैंप करना, पकड़ना, रीडिंग लेना, जॉब को कैसे होल्ड करते हैं सब कुछ आ गया। क्लासेस कैसे चल रही है? बहुत अच्छा चल रहा है। दिन में कितने घंटे पढ़ाई होती है? 4 घंटे सर। ठीक है, इन्फो ट्रेडर गेस्ट हाउस कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा, एक आप सभी से कॉमन क्वेश्चन, इन्फो ट्रेडर गेस्ट हाउस कैसा लग रहा है? क्या बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा। कुछ ऐसी तो कमी नहीं है ना कि यहाँ जाले लग रहे हो, लाइट नहीं लग रही हो, ऐसी तो कुछ नहीं है? अच्छा, हाँ प्लस खाना, आप बहुत से पहुंचते हो सर, खाना क्या होगा? क्योंकि घर से पहले निकलते हैं तो माँ बाप और दादा दादी चाचा चाचा चाची ताऊ ता यही पूछते हैं खाएगा क्या। तो खाना कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है सर। खाने की फीस ज्यादा तो नहीं है? नहीं सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राकेश कुमार है। कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान झुंझुनू। राजस्थान से आए हैं, ये देखिए राजस्थान से आए हैं। कहाँ से आए हो? थार सिंह राजस्थान से। देखो थार सिंह राजस्थान से। बच्चा कहाँ से आए हो? अनिल कुमार सर, पानीपत से। पानीपत से आए, देखो पानीपत। क्या नाम, नाम बताओ, कहाँ से आए हो? अनिल कुमार नाम मेरा। हाँ जी, मथुरा से आया हूँ मैं। अच्छा, आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार है सर, मैं बलिया के उत्तर प्रदेश से। देखो सो वेलकम टू इन्फो ट्रेड साथियों। तो दोस्तों आप सभी का बहुत कॉल आ रहा है हमारे पास, सर आपने जो बताया इन्फो ट्रेड गेस्ट हाउस के बारे में तो आप हमें रोकेंगे कहाँ? तो उसी का एक छोटी सी वीडियो मैं आप सभी के सामने लाया हूँ कि अगर आप हमसे हमारे पास आएंगे तो आप कहाँ रुकेंगे। और प्लस हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट आ चुके हैं जो कि ऑलरेडी स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आज उनसे भी मिलाऊंगा मैं आप सभी को, एक छोटा सा इंटरव्यू उनका भी बताऊंगा मैं आपको कि वो यहाँ क्या क्या सीख चुके हैं और क्या आने वाले समय में सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो धीरज सर चलिए चलिए। तो ये आप देख पा रहे हो सबसे पहले ये गेस्ट हाउस है, ये पूरा गेस्ट हाउस है। इसकी एक छोटी सी वीडियो मैं आप सभी के लिए ले आऊंगा, तो उसकी टेंशन ना लीजिएगा। तो सबसे पहले ये हम स्टेयर्स की सहायता से चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पर। अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है थोड़ा सा इसमें। ओके, तो आने वाले कुछ हफ्तों में, 4 से 5 दिन में या मैक्सिमम वीक में आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ आपके इन्फो ट्रेड के फर्स्ट फ्लोर पर। तो सबसे पहले मैं रूम में ले चलता हूँ आपके जो इलेक्ट्रिशियन वाले स्टूडेंट्स हैं, ये देख सकते हैं आप इलेक्ट्रिशियन वाले स्टूडेंट्स जो है वो तो छोटी छोटी सी बातें जानते हैं। तो हाँ जी बेटा, कहाँ से आए हो आप? सर मेरा गांव विधानपुर है, पोस्ट पासवाड़ा जिला बलिया उत्तर प्रदेश से आया हूँ। ओके, क्या सीखा अभी तक आपने? कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए? 4-5 दिन हो गया। मैं बहुत अच्छी तरह से बोर्ड बनाने और बनाने और सब वायरिंग करने के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राकेश कुमार है। कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान झुंझुनू। राजस्थान से आए हैं, ये देखिए राजस्थान से आए हैं। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको आके? सर बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ क्या सीखा अभी तक आपने? सर बहुत कुछ सीखा हूँ, दो दिन के अंदर हो गए। और बोर्ड बनाना, टेस्ट लैंप बनाना, जीने की वाइंडिंग करना, सब अच्छी तरीके से आ रहा है। तो अगर अकेला आपको छोड़ देंगे तो आप प्रॉपर वाइंडिंग कर सकते हैं? मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, आप भी? यस सर। चलिए जी, हाँ जी बताइए, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? सर जी मेरा नाम महिपाल है, मैं जोधपुर राजस्थान से आया हूँ। अच्छा, कब आए? कल ही आया हूँ सर। क्या सीखा कल तक आने में, कल से अब तक क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा सर, माइंड टू माइंड चलाना आता है अच्छे तरीके से, आ गया, बोर्ड बनाना सीख चुका हूँ। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम है? गौरव कुमार। कहाँ से आए हो? बिहार पटना से। बिहार, देखो बिहार पटना, दुनिया के इंडिया के हर स्टेट से बच्चे मेरे पास आए हुए हैं साथियों, इंतजार बस आपका है। मजा आ रहा है कुछ सीखने? कब आए हो? आज भी आया हूँ। आज या तो कुछ सीखने को मिला कुछ ना कुछ? ठीक है, तो ये अभी 4 बच्चे मेरे पास इलेक्ट्रिशियन के थे जो कि प्रॉपर वाइंडिंग बनाना सीख चुके हैं जैसा इन्होंने बताया। तो अब ले चलता हूँ मैं कहाँ आपको, जो हमारे फिटर वाले स्टूडेंट्स है तो मैं उनके कमरे में एंटर करता हूँ। तो यहाँ देखिएगा कैसे हो जी, ठीक ठाक साहब? तो ये हमारे फिटर वाले स्टूडेंट्स हैं, तो इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात ले चलता हूँ मैं आपको। हाँ जी, क्या नाम है, कहाँ से आए हो? थार सिंह राजस्थान से। देखो थार सिंह राजस्थान से, ये थार नहीं है, गाड़ी नहीं है, थान है। सबसे पहले जरा इस पे भी फोकस कीजिएगा। कितने दिन हो गए आए हुए? सर हो गए 7 सप्ताह। सप्ताह भर क्या क्या सीख लिया अभी तक? कुछ सीख लिया सर, जैसे जैसे माइक्रोमीटर के बारे में, कैलिपर के बारे में। ओके ओके सर, हाईवे से सीख लिया सर। ओके, तो पहले कभी पता था इन चीज के बारे में? नहीं पता सर, तो यहीं आके सीखा? यहीं आके सीखा। चलिए जी, नेक्स्ट बच्चा कहाँ से आए हो? अनिल कुमार सर, पानीपत से। पानीपत से आए, देखो पानीपत जो कि एक अपने आप में एक महासंग्राम गाथा हुई थी, या कौन सी गाथा हुई थी बताइएगा जरूर चैट बॉक्स में। क्या क्या सीख लिया अब तक? वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर तो इससे पहले आता था कभी? कहाँ, कितने दिन में सीख लिया? 2 दिन में। और आईटीआई कब करी थी? 2015 से लेकर 2022 तक 6 साल में माइक्रोमीटर नहीं आया, मगर 2 दिन में माइक्रोमीटर चलाना आ गया। बहुत बढ़िया।
संतुष्ट हो बिल्कुल? हाँ जी, क्या नाम नाम बताओ, कहाँ से आए हो? अनिल कुमार नाम मेरा। हाँ जी, मथुरा से आया हूँ मैं। अच्छा, कब आए थे, क्या क्या सीख चुके हो अभी तक? 1 तारीख को आया था। ओके, पहले कुछ भी नहीं जानता था और 2 दिन के अंदर माइक्रोमीटर चलाना और वर्नियर कैलिपर चलाना जानता था। तो रीडिंग लेना आ चुका है। आईटी कब करी थी? 2013 में की थी। 2013 में 10 साल में तो माइक्रोमीटर चलाना नहीं आया, 2 दिन में आ गया। संतुष्ट हो बिल्कुल? संतुष्ट। चलो ठीक है जी, अगला बच्चा। हाँ जी बताइए, क्या क्या ले रहे हो आप? ये सचिन कुमार नाम है मेरा। अच्छा, हाथ में क्या है आपके? माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, इसे मैं किस और नाम से जान सकता हूँ? इसे उसके नाम थे, माइक्रोस्कोप के नाम थे। माइक्रोस्कोप के नाम से। इसकी लिस्ट काउंट कितनी होती है? इसकी लिस्ट काउंट किसमें, मीट्रिक में या ब्रिटिश में? मीट्रिक में या ब्रिटिश में? मीट्रिक सिस्टम में। उसकी होती है 0.0 बने में। ठीक है साथियों, अगर आपने देखा होगा यहाँ एक फोकस करने वाली बात ये थी, अभी मैंने बच्चे से पूछा माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट क्या होती है, तो सभी को आपसे ये कहना है कि अगर कोई भी आपसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट पूछता है तो उससे पहले यही पूछना है कि मीट्रिक सिस्टम में बताऊं या ब्रिटिश सिस्टम में बताऊं। ये कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक, हाइलाइटेड पॉइंट प्लस चार्मिंग पॉइंट ऐसे रहेंगे दोस्तों, जो डीआरटीओ में आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और मुझे उम्मीद है कि यहां से आपने ये बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। नोट करते रहिएगा, हर दिन वीडियो आपको ऐसे लाकर दूंगा। नेक्स्ट बच्चे की तरफ चलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार है सर, मैं बलिया के उत्तर प्रदेश से। देखो इंडिया के हर स्टेट से बच्चा है। कब आईटीआई कब करी थी? 2015 में सर। अच्छा, कितने दिन हो गए यहाँ आए? 4 दिन हो गए। क्या क्या सीख लिया सर? बहुत कुछ सीख लिया है। जैसे माइक्रोमीटर चलाना, टूल्स के बारे में जानना। ओके, इसके पहले कुछ नहीं जानता। इससे पहले तो यानी माइक्रोमीटर कैलिपर चलाना कभी नहीं आया? कभी नहीं सर। चलाना आ गया? आ गया सर। किसी भी टूल को प्रॉपर तरीके से क्लैंप करना, पकड़ना, रीडिंग लेना, जॉब को कैसे होल्ड करते हैं, सब कुछ आ गया? आ गया सर। क्लासेस कैसे चल रही हैं? बहुत अच्छा चल रहा है सर। दिन में कितने घंटे पढ़ाई होती है? 4 घंटे सर। ठीक है, इन्फो ट्रेडर गेस्ट हाउस कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा, एक आप सभी से कॉमन क्वेश्चन, इन्फो ट्रेडर गेस्ट हाउस कैसा लग रहा है? क्या है कुछ? बहुत अच्छा है सर। बहुत अच्छा, कुछ ऐसी तो कमी नहीं है ना कि यहाँ जाले लग रहे हो, लाइट लग रही हो, ऐसी तो कुछ नहीं है। अच्छा, प्लस खाना, आप बहुत से पूछते हो सर खाना क्या होगा, क्योंकि घर से पहले निकलते हैं तो माँ बाप और दादा दादी चाचा चाचा चाची ताऊ ता यही पूछते हैं खाएगा क्या, तो खाना कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है सर। खाने की फीस ज्यादा तो नहीं है? संतुष्ट हो सभी? ठीक है, तो डीआरटीओ के स्किल टेस्ट की तैयारी पूरी है इस बार? जी सर, जान लगा देंगे पूरी। तो साथियों ये था हमारे एक छोटा सा रिव्यू, इसी में मैंने आपको ये बताया कि बच्चे क्या क्या पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे पढ़ रहे हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी को बहुत उत्साहित करेगी, आपकी खून में एक उबाल ला देगी कि अगर आपको डीआरटीओ की स्किल टेस्ट की तैयारी करनी है तो यहाँ आना जरूरी है। अफोर्डेबल प्राइसेस होगी इसकी और प्राइसेस जरूर रेज होंगे आफ्टर डीआरटीओ रिजल्ट। तो इंतजार रहेगा आपका, इन्फोटेड गेस्ट हाउस में आपका स्वागत रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद सभी साथियों को।